दोस्तों, माँ बनना अपने आप में महिलाओं के लिए एक बहुत ही सुखद एहसास है। जब पहली बार महिला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तब उस समय उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन ये खुशी कई महिलाओं में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है, क्योंकि उनका गर्भपात यानी मिसकैरेज हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के साथ और भी कई सारी गंभीर प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने वाली एक बहुत ही स्पेशल इंजेक्शन एक्सेप इंजेक्शन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। जैसे ये कौन सी कंपनी की इंजेक्शन है, इसके कॉम्पोजिशन क्या हैं, इसके फ़ायदे और बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं, इसका यूज़ कैसे करें, इसकी कितनी डोज कितनी बार और कहाँ लगवाना है, इसका स्टोर कैसे करें और इस इंजेक्शन का प्राइस कितना है। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर देखें, ताकि हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही नॉलेजिबल वीडियोज हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रणधीर, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, एक्सेप 40 mg इंजेक्शन को एमक्योर फार्माक्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम लोग इसके कॉम्पोजिशन की बात करें, तो इसमें इनॉक्साफेरिन सोडियम 40 mg होता है। तो दोस्तों, एक्सेप इंजेक्शन दो टाइप में आता है, ये हम लोग वीडियो के आगे में जानेंगे। अब हम लोग इस इंजेक्शन के फायदे और इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं कि डॉक्टर किन किन समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाने के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों, एक्सेप इंजेक्शन एक एंटीगुलेंट है, यानी थक्कारोधी है, और इसका इस्तेमाल शरीर को हानि पहुंचाने वाले ब्लड के थक्के को रोकने और उसका इलाज करने के लिए किया जाता है। साथ ही ये नए थक्के को बनने से भी रोकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके प्रॉब्लम्स और इसके फायदे के बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया हो, तो डॉक्टर इस इंजेक्शन को देते हैं, ताकि हार्ट पर ब्लड का संचार जल्दी से ठीक हो जाए। ये इंजेक्शन हार्ट या फिर उसके सामने के नसों में हो रहे ब्लड के क्लॉट्स को तोड़कर ब्लड को पतला करता है, ताकि ब्लड का मूवमेंट सही हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, महामारी में कोविड के समय जब भी पेशेंट का कंडीशन ख़राब हो जाता था, तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट उसके लंग्स पर होता है, और पेशेंट के लंग्स पर भी सेम यही केस होता है कि वहाँ भी ब्लड के फ्लो में रुकावट आ जाती है। तब डॉक्टर उस स्थिति में ब्लड के फ्लो या फिर मूवमेंट को ठीक करने के लिए एक्सेप इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी ये इंजेक्शन उसके गायनो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, तो उनके पेट में पल रहे शिशु को सारी चीज़ें उसके प्लेसेंटा के थ्रू ही जाती है, यानी बच्चे को ऑक्सीजन से लेकर सारी अन्य ज़रूरतें जो बच्चे के विकास के लिए चाहिए, वो प्लेसेंटा यानी गर्भनाल के थ्रू ही मिलती है। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश महिला के प्लेसेंटा में या फिर अन्य किसी जगह पर जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, उस जगह पर ब्लड की क्लोटिंग बनने लगती है, जिस वजह से बच्चे को उसके विकास के लिए ऑक्सीजन या अन्य कई चीज़ों को मिलने में कठिनाई होने लगती है, जिस वजह से बच्चा खराब हो सकता है और महिला का मिसकैरेज भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर एक्सेप इंजेक्शन को प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से 3रे महीने तक या फिर उससे अधिक भी लगाने के लिए बोल सकते हैं, ताकि महिला के बॉडी में किसी प्रकार का कोई ब्लड का थक्का ना बने, चाहे वो प्लेसेंटा पर हो या फिर किसी दूसरे जगह पर, और ऐसा होने पर महिला का प्रेगनेंसी सेफ रहता है। साथ ही इसके अलावा दोस्तों, कई बार यह देखने के लिए मिलता है कि पैर सुन्न हो गया है या फिर पैर में सूजन हो गया है, तब जांच कराने से पता चलता है कि पैर पर ब्लड के सेल्स पर ब्लड का थक्का बन गया है, तब डॉक्टर एक्सेप इंजेक्शन को लगाकर ऐसी बीमारी का इलाज करते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बॉडी में किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार के ब्लड क्लॉटिंग को तोड़ना है, तो डॉक्टर इस इंजेक्शन को लगाते हैं, चाहे वो ब्रेन की क्लॉटिंग हो, हाथ या पैरों की क्लॉटिंग हो, हार्ट में हो, लंग्स में हो, या फिर किसी दूसरे जगहों पर हो। तो दोस्तों, जनरली इस इंजेक्शन के इतने सारे यूजेज हैं, लेकिन डॉक्टर चाहे तो अपने अनुसार किसी दूसरे समस्या को कंट्रोल करने के लिए भी इस इंजेक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं सर दर्द होना, त्वचा में जलन होना, लीवर का डैमेज होना, दस्त होना, बुखार होना, पीठ दर्द होना, चक्कर आना और मसूड़ों में खून बहना। इतने सारे इसके साइड इफ़ेक्ट दोस्तों रेयर है, होते नहीं हैं, होने से अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। अब हम लोग इस इंजेक्शन के यूज करने के तरीके, साथ ही इसके डोज कितनी बार, कहां और कैसे लगवाना है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। एक्सेप इंजेक्शन दो टाइप में आता है, एक में जितना डोज आपको लगना चाहिए, मान लीजिए 40 mg का डोज आपको लगना है, तो 40 mg का सेट इंजेक्शन मिल जाएगा, आप खरीद कर लगा सकते हैं। और दूसरा है एक्सेप का 300 mg,
इसमें जितना डोज आपको चाहिए उतना माप कर लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 60 mg आपका डोज है और पूरा 300 mg आपके पास है, तो 60 mg का डोज 5 बार आप लगा सकते हैं। इसके लिए अलग से एक इंजेक्शन का पेन लेना पड़ेगा। उस पेन में एक्सेप्ट की मेडिसिन लिक्विड को सेट करके जितना चाहिए उतना आप डोज परफेक्टली लगा सकते हैं। दोस्तों, इस पेन में दवा के लिक्विड को कैसे सेट करना है, इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, हम लोग इसके अगर डोजेज की बात करें तो इसका डोज तो डॉक्टर ही डिसाइड करता है और ये पेशेंट के उम्र, वजन और उसकी बीमारी की कंडीशन पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली इसे दिन भर में एक बार लगाया जाता है। अगर केस बहुत ज़्यादा खराब है तो इसे 2 बार भी लगा सकते हैं। एक्सेप्ट इंजेक्शन के डोज 20 mg, 40 mg, 60 mg और 80 mg में होता है, लेकिन डॉक्टर इसे ज़्यादातर 40 mg ही रिकमेंड करते हैं। एक्सेप्ट इंजेक्शन शरीर के पेट में, जांग में या फिर बाजू में लगाया जा सकता है और ये इंजेक्शन जब लगता है तो कंटिन्यू 10 दिन, 20 दिन या फिर महिला के प्रेगनेंसी के केस में स्टार्टिंग के 3 महीने या फिर उससे अधिक भी लगातार लगता रहता है। अब हम लोग इस इंजेक्शन से जुड़ी कुछ सावधानियों यानी प्रिकॉशंस और इस इंजेक्शन के स्टोर करने के तरीके के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, एक्सेप्ट इंजेक्शन को आज आप लोग जिस जगह पर लगा रहे हैं उसके अगले दिन किसी दूसरे जगह पर लगाना है। मतलब आज अगर आप लोग पेट के दाएं तरफ इंजेक्शन को लगा रहे हैं तो अगले दिन या फिर अगले डोज पर इंजेक्शन को पेट के बाएं तरफ लगवाना है। इंजेक्शन लगवाने वाले जगह पर आपको थोड़ा बहुत जलन या फिर खुजली हो सकता है, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाता है, ये नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में महिला को जब ये इंजेक्शन लगता है तो किसी किसी केस में ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ब्लड पतला हो चुका होता है। तो अगर महिलाओं को ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग दिखे तो तुरंत इस इंजेक्शन को लेना बंद करें और अपने गायनो डॉक्टर से संपर्क करें, और जब वापस डॉक्टर बोले तभी इस इंजेक्शन को लगाना स्टार्ट करें। दोस्तों, अब हम लोग इसके स्टोर करने के तरीके के बारे में जानते हैं कि डायरेक्टली जहां पर धूप आती है उस जगह पर इसको नहीं रखना है। बच्चे और पालतू जानवरों की पहुंच से इस इंजेक्शन को दूर रखना है और इसे 250 से कम तापमान पर रखना है। मतलब आपको डीप फ्रीजर वाले जगह पर इसे नहीं रखना है, डोर के स्लॉट पर ही रख सकते हैं। और अब हम लोग एक्सेप्ट 40 mg इंजेक्शन के प्राइस के बारे में जानते हैं। तो इसका प्राइस 466 रुपया पर 40 mg है। ये इंजेक्शन आपको बड़े मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, साथ ही इसे आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और अगर फिर भी आप लोग को ये इंजेक्शन ना मिले तो आप लोग एक्सेप्ट इंजेक्शन के जगह पर इवापेरिन इंजेक्शन, फ्लेपेरिन इंजेक्शन, हेडपेरिन इंजेक्शन, लोनोपिन इंजेक्शन ले सकते हैं। इन अलग अलग इंजेक्शन को अलग अलग कंपनी बनाती है, इसलिए इसके दाम में थोड़ा बहुत फ़र्क आप लोग को ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वर्क सभी एक जैसा ही करती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग के मन में किसी तरह का सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम उसका टाइम टू टाइम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँ, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तब तक दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।